ससुर ने की शादी। ससुर ने दिया तलाक तो पूर्व पति ने फिर की शादी। अब देवर से शादी के लिए दबाव। हलाला के नाम पर महिला का शोषण। पहले मैं अपने शोहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शोहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शोहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए, तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। सबीना अकेली नहीं है, निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे हलाला के नाम पर पति ने दोस्त को सौंप दिया। तलाक देने के बाद में उसने अपने दोस्त से हलाला करवाया। हलाला करवाने के बाद में उसने मजाके बनवाई, मगर मुझे रखा नहीं। खबर तो समझिए कि क्या है। घरों के बाहर लिखा है कि घर बिकाऊ है। खास बात ये है कि जो घर बिकने के लिए हैं, वो सभी हिंदुओं के हैं। इनका आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने इनका जीना दुश्वार कर दिया है। जब हद से बात बाहर हो ली, जब करी है बोल कट्ठी, तो उसके बाद मार पिटाई करने आए। फिर हमारे लड़के घर पे आए तो उनके भी मार पिटाई करी, तो इस वजह से हम अपना घर बेचना चाह रहे। तो वहाँ से बोल लेना आती, तो उन्हें मना करते आते, उनसे गाल गलोच करते हैं, इसलिए जी ये गाड़े के खेलते हैं जी बच्चे। पुलिस ने गांव न छोड़ने की अपील करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। गाँव में जो भी इस तरह के खुराफाती लोग हैं, जो विष घोलने का काम कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के थ्राल में एक परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये सिख परिवार अपनी सुरक्षा के लिए कश्मीर छोड़ने का इरादा बना रहा है। इस परिवार की बेटी पर पहले इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया, जब लड़की ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस इस परिवार की शिकायत नहीं सुन रही है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर में बचे कुचे गैर मुस्लिमों को भी बाहर निकालने की साजिश रची जा रही है। मैं अपने रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोला, नमाज पढ़ने के लिए बोला, हेड स्कार्फ करने के लिए बोला। छोड़कर मैं भाग रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी बच्ची सेफ नहीं है। पिता और पुत्री का ये दर्द सुनिए। धर्म निरपेक्षता और अमन के राग के बीच सुनिए कि कैसे एक परिवार अपना घर छोड़ने की बात कह रहा है। ये परिवार कश्मीर घाटी में बचे चंद सिख परिवारों में से एक है, और अब इनके सामने भी पलायन की मजबूरी है। इस परिवार का दर्द उन हजारों कश्मीरी परिवारों की तरह है जो दो दशक पहले कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए थे, लेकिन ऐसे चंद लोगों ने अपने हौसले को बरकरार रखा और आतंकियों और दहशतगर्दों के सामने खड़े रहे। लेकिन आज मजबूरी ऐसी है कि ये परिवार कश्मीर छोड़ने के लिए ऐलान कर रहा है। इस परिवार की बेटी पर 2 जुलाई को 2 बदमाशों ने हमला किया। इस परिवार की बेटी इस्लामिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी मुस्लिम बहुल है। लड़की का आरोप है कि रमजान के महीने में उसे परेशान किया गया, उस पर रोजा रखने और हिजाब पहनने का दबाव बनाया। लड़की का आरोप है कि उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहे थे और इनकार करने पर 2 जुलाई पर उस पर हमला किया गया। तो इस साल हमारा सेकंड सेमेस्टर था, तो आपका ये जब माह रमजान चल रहा था मंथ, तो उसमें दोस्त काफी स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मेंटली टॉर्चर किया। उसमें सबसे पहले एक लड़की थी जिसने हमें अपने रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोला, नमाज पढ़ने के लिए बोला। इस परिवार की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बेटी पर हुए हमले की शिकायत करने पिता थाने पहुंचे, तो पहले तो पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। सिखों के प्रदर्शन के बाद जैसे तैसे पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों पर दबाव बना तो पीड़ित परिवार को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया गया। क्या बात है बेटा, बोला पापा आपने बोला था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मत जाओ, मैं आपके कहने के मुताबिक नहीं माना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी चली गई, तो वहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात हुए हैं। मैं और प्रेसिडेंट है यहाँ धर्मकुंड का, हम दोनों उठे चले गए वीसी के पास। वीसी को सारी सेक्रेटरी को वीसी को सारी बायोडाटा बताया कि इसको, वीसी ने बोला कोई बात नहीं, ये अपने मजे में रहेगी, तो ये मेरी बेटी है, आप इसको भेजो, तो वो चले गए। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए जब सिख लड़की पर हमले और प्रताड़ना की कहानी पूरे देश ने जानी, नतीजा प्रशासन को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बात बिगड़ती देख स्थानीय प्रशासन एक्शन में आया और 3 संदिग्धों से पूछताछ की गई। एक कमेटी का शूट की है, कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दे दिया है, एक इंटरिम रिपोर्ट थी वो, और हम जो है हम चाहते हैं कि थोड़ा इसमें ब्रांड बेस्ड रिपोर्ट बन जाए। हम देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है इसकी, जो भी बात सामने आ जाएगी उसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। दबाव के बाद प्रशासन एक्शन में तो है, लेकिन अब परिवार डरा हुआ है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल है, और सवाल ये भी है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू और सिख होना गुनाह है।
क्या कश्मीर में अब कश्मीरी पंडितों के बाद बचे खुचे सिखों को भगाने की साजिश रची जा रही है।